दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोयम डेसी डेराटा। डेसी डेराटा मतलब होता है दोस्तों समथिंग दैट इज नीडेड और वांटेड। इस पोयम में दोस्तों पोएट हमें ज़िंदगी जीने का तरीका बताते हैं। बहुत ही अच्छी पोयम है दोस्तों, तो चलिए पोयम को स्टार्ट करते हैं और लाइन बाय लाइन एनालाइज करते हैं। गो प्लैकेडली अमिड द नॉइस एंड हेस्ट एंड रिमेंबर व्हाट पीस देयर मे बी इन साइलेंस। तो यहाँ पोएट कहते हैं कि तुम दुनिया की इस शोर शराबे में आराम से रहो और याद रखना जो शांति है ना वो सिर्फ साइलेंस में है। मतलब दुनिया की इस शोर शराबे में कुछ भी नहीं रखा, तुम अपने आप को शांत रखो। एज फार एज पॉसिबल विदाउट सरेंडर बी गुड टर्म्स विथ ऑल पर्सन। जितना हो सके तुम सभी लोगों से अच्छा रिश्ता बनाकर रखो। स्पीक योर ट्रूथ क्वाइटली एंड क्लियरली एंड लिसन टू अदर्स। तुम अपने सच्चाई को सभी के सामने क्लियरली यानी कि साफ साफ रख दो और तुम दूसरों की भी सुनो। इवन द डल एंड द इग्नोरेंट दे टू हैव देयर स्टोरी। यहाँ तक कि जो लोग डल होते हैं और जिन्हें सब इग्नोर करते हैं उनकी भी स्टोरी होती है, लेकिन क्या है हम उनकी स्टोरी सुनना ही नहीं चाहते। अवॉइड लाउड एंड अग्रेसिव पर्संस दे आर वेक्सेशंस टू द स्प्रिट। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि तुम उन लोगों को अवॉइड करो यानी कि उन लोगों को अनदेखा करो जो अग्रेसिव है यानी कि जो भयानक है या जो बहुत ही नेगेटिव होते हैं। ये लोग तुम्हारे आत्मा के शांति को लेकर चले जाएंगे, तो इसलिए इन लोगों से तुम दूर रहा करो। इफ़ यू कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स यू मे बिकम वेन एंड बिटर। अगर आप अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर करोगे तब आप वेन हो जाओगे यानी कि आप बेकार हो जाओगे, और बीटर मतलब आप कड़वे हो जाओगे। फॉर ऑलवेज देयर विल बी ग्रेटर एंड लेसर पर्संस देन योरसेल्फ। तो तुम अपने आप को कंपेयर किसी से मत करो, क्योंकि कुछ लोग जो है वो तुमसे ज़्यादा अच्छे होते हैं और कुछ लोग तुमसे कम अच्छे होते हैं। Enjoy your achievement as well as your plans. तुम अपने अचीवमेंट को enjoy करो और तुम अपने plan पर focus करो यानी कि अपने future पर focus करो। Keep interested in your own career however humble it is a real possession in the changing fortunes of time. तुम अपने करियर पर focus करो अच्छे से, क्योंकि ये जो करियर है ना यही आने वाले time पर तुम्हारे लिए काम आएगी। एक्सरसाइज कॉशन इन योर बिजनेस अफेयर्स फॉर द वर्ल्ड इज फुल ऑफ ट्रिकरी। तुम अपने बिजनेस पर फोकस करो, क्योंकि ये जो दुनिया है ना ये ट्रिकरी लोगों से भरे है यानी कि ऑकवर्ड लोगों से भरे है। ये लोग आपसे चीट करते हैं यानी कि ये जो ऑकवर्ड लोग है ये आपको चीट करते हैं। बट लेट दिस नॉट ब्लाइंड यू टू वट एवर वर्च्यू देर इज मेनी पर्सन स्ट्राइव फॉर हाई आइडियल्स एंड एवरीवेयर लाइफ इज फुल ऑफ हीरोइज्म। ये जो वर्च्यू है इसका मतलब होता है गुण। तो यहाँ कहा गया है कि तुम्हें ऑकवर्ड लोगों से तो सावधान रहना है, लेकिन तुम्हें इतना भी सावधान नहीं रहना कि तुम अच्छे गुण वाले लोगों को पहचान ना पाओ। और बहुत लोग अपने ज़िंदगी में अपने रोल मॉडल यानी कि आइडियल्स ढूंढते हैं, लेकिन वो अपने आसपास नहीं देखते। उनके आसपास हीरोइज्म रहता है यानी कि वो अपने आसपास से ही बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन वो अपने आसपास से कुछ सीखना नहीं चाहते। बी योरसेल्फ, जैसे हो तुम वैसे ही रहो। स्पेशली डू नॉट फेन अफेक्शन। तुम किसी के फीलिंग्स के साथ मत खेलो। नाइदर बी किनिकल अबाउट लव। और तुम प्यार पाने के लिए किनिकल यानी कि पागलपन मत किया करो। मतलब पागल मत बनो प्यार के लिए। फॉर इन द फेस ऑफ ऑल एरिडिटी एंड डिसएन्चेंटमेंट इट इज एज पेरिनियल एज द ग्रास। तो यहाँ कहा गया है कि तुम प्यार के लिए पागल मत बनो, क्योंकि जैसे एक दिन घास उगता है वैसे ही एक ना एक दिन तुम्हें भी अपना प्यार मिल जाएगा।
टेक काइंडली द काउंसिल ऑफ द ईयर्स ग्रेसफुली सरेंडरिंग द थिंग्स ऑफ यूथ। तुम अपने एक्सपीरियंस से फैसला लिया करो, तुमने जो जो गलतियां यूथ में यानी कि तुमने जो जो गलतियां पहले मतलब कि जवानी में तुमने जो जो गलतियां कर दी है उन्हें तुम भूल जाओ और तुम अच्छे से अपना फैसला लिया करो। नर्चर स्ट्रेंथ ऑफ स्पिरिट टू शील्ड यू इन सडन मिसफॉर्च्यून। ये जो नर्चर है इसका मतलब होता है पालन पोषण करना। तो यहाँ पर पोएट कहना चाहते हैं कि तुम अपने माइंड को नर्चर करो यानी कि तुम अपने माइंड को ताज़ा करो ताकि अचानक आने वाली बैड लक को तुम डिफेंड कर सको यानी कि जो प्रॉब्लम्स अचानक आ जाती है तुम उनसे बच सको। बट डू नॉट डिस्ट्रेस योर सेल्फ विद डार्क इमेजिनिंग्स। तुम ज़्यादा सोच कर अपने आप को परेशान मत किया करो। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं जब कोई भी इंसान ज़्यादा सोचता है तो वो ज़्यादा परेशान भी होता है। मेनी फियर्स आर बॉर्न ऑफ फैटिंग एंड लोनलीनेस। ज़्यादा सोच कर आदमी अकेला हो जाता है और वो फैटिग मतलब कि वो टायर्ड हो जाता है यानी कि जो आदमी ज़्यादा सोचते हैं वो अकेले हो जाते हैं और वो थक भी जाते हैं डिस्ट्रेस से यानी कि परेशान होकर। बियॉन्ड अ होलसम डिसिप्लिन बी जेंटल विथ योर सेल्फ। तुम जब ये सारे चीज़ें करोगे यानी कि तुम अच्छे से डिसीजन लोगे और तुम ज़्यादा परेशान भी नहीं होगे मतलब कि तुम ज़्यादा सोचोगे नहीं तभी तुम डिसिप्लिन में रहोगे। बी जेंटल विथ योरसेल्फ मतलब कि तुम अपने आप से अच्छा बर्ताव करो। यू आर अ चाइल्ड ऑफ द यूनिवर्स। तुम इस यूनिवर्स के एक बच्चे हो। नो लेस दैन द ट्रीज एंड द स्टार्स। और तुम्हारा जो इम्पोर्टेंस है ना वो ट्री और स्टार्स यानी कि पेड़ और तारे से कम नहीं है। यू हैव अ राइट टू बी हेयर। तुम्हें हक है इस दुनिया में रहने का। एंड वेदर और नॉट इट इज़ क्लियर टू यू नो डाउट द यूनिवर्स इज़ अनफोल्डिंग एज इट शुड। और अगर आप इस दुनिया के सभी चीज़ों के बारे में ना जान सको तो आप अपसेट ना हो क्योंकि ये जो दुनिया है ना ये बहुत ही बड़ा है। अनफोल्डिंग है मतलब कि ये दुनिया फोल्ड नहीं हो सकता और फोल्ड वही चीज़ नहीं हो सकता जो कि बहुत ही लार्ज होता है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि ये जो दुनिया है ये बहुत ही बड़ा है। Therefore be at peace with God whatever you conceive him to be। तुम शांत रहो और तुम गॉड के ऊपर ट्रस्ट रखो। एंड वॉट एवर योर लेबल्स एंड एस्पिरेशंस इन द नॉइजी कॉन्फ्यूजन ऑफ लाइफ कीप पीस विथ योर सोल। मतलब तुम गॉड पर ट्रस्ट करो और इस कंफ्यूजिंग लाइफ में तुम अपने आत्मा के साथ शांति बनाए रखो। साफ सीधे कहूँ तो यहाँ कहा गया है कि तुम धैर्य रखो। विथ ऑल इट्स शैम ड्रडगरी एंड ब्रोकन ड्रीम्स। ये जो शैम है इसका मतलब होता है फॉल्स थिंग्स और ये जो ड्रडगरी है इसका मतलब होता है खराब काम। तो यहाँ कहा गया है ये जो दुनिया है ना इसमें फॉल्स थिंग्स होते हैं और यहाँ खराब कामें भी होती है और यहाँ पर बहुत सारे जो सपने हैं वो भी टूटते हैं। इट इज़ स्टिल अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड। लेकिन तब भी ये जो दुनिया है ना ये बहुत ही खूबसूरत है। बी चेयरफुल और तुम इस दुनिया में खुश रहो इंजॉय करो। स्ट्राइव टू बी हैप्पी। स्ट्राइव मतलब किसी चीज़ के लिए एफर्ट दिखाना। तो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि तुम खुश होने का एफर्ट दिखाओ यानी कि तुम खुश होने की कोशिश करो। तो दोस्तों यहीं पर पोएम एंड होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको पोएम अच्छे से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अब आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब आपसे मुलाकात होगी कल नेक्स्ट वीडियो के साथ।